एक हमारे साथ इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य है जो कि बड़े नेता है, बड़े उन्होंने है, उन्होंने जो है पार्टी से इस समय जो है कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने का कारण जो है वो बता रहे हैं कि पिछले शोषित दलितों का अपमान हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। पिछले निर्वाचन आयोग ने अपनी जारी की, उचित अवसर है, मैंने अपना निर्णय आज स्वामी प्रसाद मौर्य सर इस्तीफा आपने दिया है, क्या कहेंगे, क्यों इस्तीफा आपने दिया है, इतना बड़ा निर्णय आपने लिया है, पार्टी में 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे। श्री राज्यपाल जी को भेजे पत्र में इस्तीफे के कारण का मैंने पूरा उल्लेख किया है और कारण स्पष्ट है, वही कारण है जिसके नाते मैंने इस्तीफा दिया। आपने बसपा से जब इस्तीफा दिया था आपने बताया कि दलित छोड़ पिछड़ो सबका जो अपमान हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी में है, नई कदम जो है, क्या पुरानी घर वापसी होगी समाजवादी पार्टी में आपकी? कहाँ होता है क्या नहीं होता है बात करने के बाद आपको हम स्पष्ट करेंगे। संगमित्रा जो है वो इस समय है कहाँ पर, वो भी क्या इस्तीफा दे रही है? बहरहाल वो तो अभी टाइफाइड से पीड़ित है, लेकिन वो बदायूं की सांसद है, उसका क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा उसका निर्णय उसके विवेक पर है, लेकिन मैं सरकार का मंत्री हूँ और मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आपने 5 साल निर्वहन किया, अच्छे से जो है कैबिनेट मंत्री पद का चलाया, उसके बाद किससे आखिर नाराजगी हो गई कि आपने मंत्रिमंडल से क्या को आप सुन रहे थे, तो ये अटकलें ये लगाई गई इन तस्वीरों के बाद, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। देखिए यहां पर आप योगी सरकार के एक मंत्री को अखिलेश यादव के पास खड़े हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को इन तस्वीरों में देखिए, बीएसपी से नाता तोड़ करके उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था चुनाव से पहले, और अब विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और अखिलेश यादव ने उनके साथ एक फोटो शेयर की है, ट्वीट किया है, सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा। समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं अंतोगत्ता, अब चूंकि चुनाव नजदीक है ऐसे में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट से और कल जो है इनकी ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में हो सकती है। एक्सक्लूसिव बातचीत सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। मौर्य ने ये तो कहा है कि उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी जुबान से ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी वो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य दिख रहे हैं और सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, ये जो लाइन लिखने के पीछे का मकसद यही है कि चूंकि दलित समाज से आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अभिषेक मिश्रा इस वक्त क्या कह रहे हैं सुनते हैं समाजवादी पार्टी नेता। आप में तो दुनिया का सबसे बड़ा 5वां देश होता है, तो ये बहुत बड़ा परिदृश्य है, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है और समाजवादी पार्टी सबको सम्मान देना जानती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब लोगों को इस संस्कार में दिया गया है, नेताजी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने, प्रोफेसर साहब ने ये सिखाया है हम लोगों को कि जो आए उसको गले लगाइए, उसको सम्मान दीजिए, उसको ताकत दिख रहा है सर इस ज्वाइनिंग से। देखिए फायदा तो हर एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक बूंद कीमती है। हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश को बचाने की है, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की, शिक्षा और सुरक्षा ठीक करने की हमारी लड़ाई है, हमारे रोजगार देने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई महंगाई कम करने की है। इन सब पे समाजवादी काम करेंगे, बिजली फ्री देंगे, नौकरियां देंगे और इसमें इनके आने से मदद मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।